बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं पाकिस्तानी हूँ। आज हम जो प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं, मुझे इसकी बहुत खुशी इसलिए है कि ये उन लोगों तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जो ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से जो बेरोज़गार हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये याद करवाना चाहता हूँ कि पहली हमारी कोशिश ये थी कि जो सबसे हमारा मुस्तहिक तबका है, जो सबसे मजबूर हमारे लोग हैं, पहली हमारी कोशिश ये थी उन तक पहुँचे। उसके लिए हमने एहसास कैश प्रोग्राम शुरू किया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी सुना प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को, तो उन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि वो जो बेरोज़गार हैं उनको 12,000 रुपीज़ देने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये 12,000 रुपीज़ आप कैसे ले सकते हैं, आप कैसे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट उससे आगाह करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो मिलती रहें। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको ऑनलाइन कैसे रजिस्टर्ड करना है। तो सबसे पहले आपको जो ऊपर वेबसाइट नज़र आ रही है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। उसके बाद आप ग्रुप में जाके क्लिक करेंगे तो आगे से वो सारा प्रोसीजर खुल जाएगा, जैसे ये आप भी आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसा कुछ इसका इंटरफेस होगा। सबसे पहले आप अपने आईडी कार्ड नंबर देना है। आपका जो भी आईडी कार्ड नंबर है वो आप अपना आईडी कार्ड नंबर अपने आईडी कार्ड से देख के लिखेंगे। तो आईडी कार्ड अपने सामने रख लें ताकि आप गलत नंबर ना लिख सकें। उसके बाद मोबाइल ऑपरेटर आप जो सिम है या इजी पैसा अकाउंट जिस पे बना हुआ है आप वो लिख दें। आप उसके बाद मोबाइल नंबर लिख दें अपना, आपका जो मोबाइल नंबर है। तो ये इस तरह आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये कोड है जो तस्वीर में है, आपको बिल्कुल वैसे ही नीचे दर्ज करना है कोड को। तो आप नीचे कोड को दर्ज करें और कोड को दर्ज करने के बाद आप नीचे तस्दीक करें, इस पर प्रेस करें तो अगला इंटरफेस इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कोविड-19 फंड दरख्वास्त, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती। शनाख्ती कार्ड नंबर जो आपने पहले दिया था, मोबाइल नंबर आ जाएगा जो आपने पहले दर्ज किया वही आ जाएगा। नीचे नाम आ जाएगा, जिस बंदे के नाम पे भी आप वो शनाख्ती कार्ड नंबर होगा वो इधर नाम आ जाएगा। तो उजरत योमिया थी या महाना आपने सेलेक्ट करनी है। आपकी योमिया थी या महाना आपने उस पर क्लिक करके ओके कर देना। पेशा, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है मुख्तलिफ पेशों की। आपका जो भी पेशा होगा आप उसको क्लिक करें। यहाँ पर तकरीबन तमाम जितने भी हमारे लेबर मुख्तलिफ पेशों में काम करते हैं तो सारी डिटेल है। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना जो भी हो। तो यहाँ पे आपने आपकी महाना आमदन लिखनी है, आपकी एवरेज महाना आमदन, आपकी कितनी तनख्वाह पहले लेते थे वो क्लिक करने के बाद आपने तारीख लिखनी है कि किस तारीख को आपकी मुलाजमत ख़त्म हुई। तो ये इस तरह का ऊपर कैलेंडर आ जाएगा तो आपने वो लिख लेना। तो आप किसी के यहाँ काम करते थे या खुद बेरोज़गार हुए, अपना काम था तो आपने यहाँ पे से क्लिक कर लेना है। आप किसी मालक ठेकेदार या किसी कंपनी के मुलाजम थे तो वो आपने यहाँ पे उसकी डिटेल दे देनी है। आप नाम लिख देना जिसके पास भी थे, कंपनी है तो कंपनी का नाम आ जाएगा, ठेकेदार है तो ठेकेदार का नाम आ जाएगा, अगर जो भी हो आप लिख देंगे। नीचे मोबाइल ऑपरेटर आपने लिखना है जिसके पास आप काम करते थे, तो उसका पहले सेलेक्ट कर लेना, जोंग है जायज़ है जो भी है। नीचे आपने उसका नंबर दे देना ठेकेदार का है जिसके बाद काम करते थे। तो यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका क्या डिस्ट्रिक्ट है, पूरी लिस्ट है यहाँ पे तो सारे डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान की। आपने वो उस पर क्लिक कर लेना और नीचे तहसील है तो उसकी आपने डिटेल देनी है। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक ठीक देनी है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं देनी। अपने ही आईडी कार्ड पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना है क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन होगी तो अगर उसमें कुछ भी गलत हुआ तो आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। तो जिन लोगों ने पहले 12,000 एहसास प्रोग्राम के तहत ले लिए हैं वो उनको नहीं मिलेंगे ये।
तो यहाँ पे आपने तस्दीक करनी है जी कि मैं इसके लिए आयल हूँ। नीचे आपने क्लिक करना है कि आप एग्री कर रहे हैं, आपने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक दी है, तो आपने यहाँ पे प्रेस कर देना, जमा कराएं, तो आपका प्रोसीजर मुकम्मल हो जाए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स के अंदर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगा कीजिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें।